ਤਰਾ ਚੋਗੇ ਤਰਕੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਸਰ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੁਲਾਣ ਜਾਂ ਮਰੀ ਕਗਾਨ ਸਵਾਤ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ एक रेंट आला इन्वेस्टर जेड़ा है ना इन्निया गड्डिया नहीं कर सकता भावे हुण कोई जहाज भी कहे असीं जहाज भी दे दईए मंगा के तामन नाल ही ना एक दूसरे नाल किसे कोले केड़ी है उहदे कोले है उह साडे तों लै लैंदा है असीं उहदे तों लै लई दी इस तरह रल मिल के चलता है। अपने नंबर दसो ताकि लोग रब्ता कर सकें। नाजिन जिस लोग मुझे वॉच कर रहे हैं अगर आपने किसी मरी कगान सवाद में अपनी फैमिली के साथ जाना है, ग्रुप के साथ जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, अगर कोई बिजनेस आप कोई कर रहे हैं तो आप अपनी टीम के साथ जा सकते हैं मरी कगान सवाद किसी भी जगह पर सैर तफरी के लिए। तो अल्लाह मेहरबान रेंट ए कार के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, आपको स्पेशल डिस्काउंट पर इस महंगाई के दौर में भी बड़ी फेवर आपको मिलेगी। और अपने नंबर बता दीजिएगा ज़रा। मेरा नंबर है 0346-32-839 0321-0315 तीनों नंबर मेरे 24 घंटे ऑन होंगे। अपनी लोकेशन भी दस दो ताकि फैमिलियां इतने तुहाडे कोल आ सकन ते राबता कर सकन। सर फैसल मोर दे बिलकुल सामने नाल स्काईवे सामने फैसल मोर है बिलकुल सामने दे तुसी जी अगर बाहर कैमरा मार के दिखा दियो वेरी नाइस ते मेहरबानी तुहाडी। हां जी ठीक है। ते आखिर च सर कोई मैसेज कोई पैगाम देना चाहोगे? रमजान दा बबरकत महीना चल रहा है ते रमजान दे मौके ते कोई मैसेज कोई पैगाम देना चाहोगे मुल्क पाकिस्तान नु या दुनिया च जिथे जिथे थानू देखा जा रहा है मर्जी को कारोबारी है ना ठीक है ना कोई छोटा है कोई वड्डा गरीब आदमी तो बिलकुल ही पीसिया गया जेड़ा सफेद पोश ने जेड़े मगर वड्डे मगरमच्छ ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਚੋੜਦੇ ਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਜਲਾਈ ਇੱਥੇ ਹਮਾਰੇ ਅੱਜ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਮਿਸਟਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਨੰਨਾ ਜੱਟ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਰੋਡ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਹੈ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੈਂਟ ਏ ਕਾਰ। ਤੋ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਰਾ ਆਪਕੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। क्योंकि दिलशाद साहब नूं कोई भी इत्थे आके मिलदा है ते मेरा ख्याल है दोबारा मिलने की तवक्को लाजमी करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे जी इनके? बहुत अच्छे आदमी ने जी, हर बड़े छोटे नाल प्यार करते हैं, हर एक दे काम आते हैं ते उस तो अलावा आवाम की बड़ी खिदमत खुदमत करते हैं। कोई मसला मसाइल महल च भी हो तो उन्होंने भी हल करते हैं। बहुत अच्छे बंदे ने, अल्लाह ताला इज्जत नाल जिंदगी दराज करे। ठीक है, साडे सिर ते रहन, साडे वड्डे भाई। आमीन आमीन। सर तुहाडा की नाम है? जी मेरा नाम अब्दुल मजीद है। तो जर साहब एक शफ़त करने वाले इंसान है, बहुत अच्छा इखलाक इन्हों का। तो छोटे व्डे कोई भी बंदा आए बाहर का भी कोई आए तो बड़े प्यार करने वाले बंदे ने। जट साहब नन्ना जट साहब दोस्त ने अपने अच्छे बंदे ने। हाँ जी मैं इन्होंने काम भी करना। किन्नी देर से तुसी जानते हो? तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल तो दोस्ती है। मैं दुबई हूँ ना, लेकिन जो आवा इतने इन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, नाम क्या आपका? सैफ अली। सैफ अली, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहना चाहेंगे? रहमान अली, नन्ना जट साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं। मैं भी इनके साथ 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सुना जी ने आपने जाना आज के हमारे स्पेशल गेस्ट ये दिलशाद अहमद नन्ना जट साहब जो कि अपने के नाम अपने की पहचान रखते हैं। आखिर में अल्लाह मेहरबान रेंटे कार की जानिब से आप तमाम सिटी वी न्यूज़ देखने वालों को जो पूरे DHA में देख रहे हैं, लाहौर में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, आप सबको रमज़ान मुबारक। और आखिर में मिलकर हम दिलशाद साहब के साथ और उनकी सारी टीम के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़बरदस्त एक नारा लगाएंगे। और कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने कमेंट्स करने, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, खासतौर पे एनर्जी का काम सरंजाम देता। अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाजत दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे एक नए स्पॉट पर, एक नई जगह पर, एक नए पाकिस्तान के पाकिस्तान की सेलिब्रिटी के साथ, पाकिस्तान की एक फेमस पर्सनैलिटी के साथ। तब तक लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन सुलह सलामती को कायम करे। मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।